नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। शहर और गांव की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। पहली खबर जो आज हमारे पास है वो है सरकार और विकिपीडिया को लेकर। सरकार ने विकिपीडिया को एक पत्र भेजा है जिसमें कुछ शिकायतों के संदर्भ में उत्तर मांगा है। विकिपीडिया पर यह आरोप लगाकर कहा गया है कि वो पक्षपाती और गलत जानकारी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ये भी पूछा कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशकों के रूप में क्यों नहीं जाना जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोमवार को राज्य की विकास परियोजनाओं को लेकर कुछ प्रमुख फैसले लिए हैं। रिंग रोड निर्माण और जलाशयों की प्रणाली के इस्तेमाल के बीच नायडू सरकार के एक फैसले ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरकार ने राज्य में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए नीदरलैंड के ग्रेविटी कनाल सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। क्या है ग्रेविटी कनाल सिस्टम, तो आपको बता दें कि ये एक जल निकासी और सिंचाई प्रणाली है जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिस्टम में पानी को नहरों के माध्यम से ग्रेविटी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। इसमें पानी को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की पंपिंग या बाहरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देश भर में आज से नहा खा के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी छठ पर्व की धूम होती है। नहाए खाए के दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद से जो व्रती महिलाएं होती हैं वो भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं छठ महापर्व का त्यौहार। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर बनी कमेटी और किसान संगठन के नेताओं के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक हुई। तीन बार बुलाने के बाद ये बैठक हो पाई है। बैठक के बाद किसानों ने एक बार फिर से अपने तेवर तेज कर दिए हैं, तेवर दिखाए हैं। किसानों ने अपनी मांगों को जायज ठहराया और पूरी होने तक आंदोलन करने की बात भी कही है। किसानों ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में अनशन का ऐलान भी कर दिया है। किसानों ने कहा कि उनका हरियाणा मोर्चा जारी रहेगा और उनकी कमेटी आज की मीटिंग को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। किसानों की 12 मांगे हैं जिनके लिए उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।